सो गाइस हमने रोड की जगह यमुना जी के घाट से जाने का डिसाइड किया है ताकि आप लोग भी यमुना जी के घाट की खूबसूरती देख सकें। कई बार बहुत सारी मूवीज़ में यहाँ की शूटिंग भी दिखाई जाती है, जैसे कि अभी बहुत फेमस मूवी थी ड्रीम गर्ल, उसमें इस विश्राम घाट की बहुत सारी शूटिंग थी। अगर आप दोबारा से मूवी को देखेंगे तो आप ज़रूर पहचान पाएंगे। ये देखिए ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, बहुत पुराना ब्रिज है और बहुत ही मज़बूत है जो अभी तक काम में आ रहा है और आज भी यहाँ से ट्रेन निकलती हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सीन लगता है, हालांकि यमुना जी की गंदगी के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन यमुना जी मथुरा की बहुत फेमस है और शायद मथुरा ही यमुना जी के लिए फेमस है। मथुरा के बहुत सारे यार इवन विदेश से और अपने देश से भी बहुत सारे लोग आते हैं यमुना जी की पूजा करने। यहाँ के दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, बहुत फेमस हैं। जब आप द्वारिकाधीश जाते हैं तो बीच में आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्या आई हूँ, अरे यहाँ भी भीड़ कम है, कोई बात नहीं। हम आ चुके हैं गाइस द्वारिकाधीश के बहुत पास। आप जितने भी सारे शॉप हैं मंदिर के पास आपको बहुत सारी भगवान से जितने भी रिलेटेड सामान होता है ना सब भगवान जी पोशाक हो, फूलमाला हो, बैग्स हैं यहाँ पे, धोती कुर्ता। और आप भीड़ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और ना केवल मथुरा से बल्कि आप पूरे ऑल इंडिया से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। न्यू ईयर पे तो खासकर वृंदावन जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे।
द्वारिकाधीश मंदिर के बहुत ही पास, तो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ना वो सब यहीं से ही थोड़ी बहुत जो भी सब्जी लेनी होती है वो यहीं से लेके चले जाते हैं। पर एक खास बात हो रही है कि यहाँ जितनी भी आप गाय देखते हैं तो बहुत सारे जितने दानी हैं श्रद्धालु हैं तो यहाँ से पालक वगैरह लेके इन्हें डाल देते हैं। करना है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप
आप सभी से भी ये गुजारिश करूँगी कि आपके भी आसपास जो भी जानवर हैं प्लीज़ उन्हें भी थोड़ा खाने को दिया कीजिए। गाइस ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इससे बोलते हैं सती भुज। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जब कोई भी महिला अपने पति के साथ सती हो जाती थी, मीन्स उसके साथ उसे जला दिया जाता था, द्वारिका के राजा माने जाते हैं। रुक्मणी से विवाह होने के बाद उन्होंने राजा के रूप में शासन किया था द्वारिका पर, तो इसलिए यहाँ पर उनका द्वारिकाधीश के नाम से बहुत फेमस टेंपल बन गया। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से इतने ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। नीचे वाला ये थी मेरी फर्स्ट ट्रैवल वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमने द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन किए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।